हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस समय लॉकडाउन चल रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी घर पर रह रहे होंगे, पर घर पर रहने के साथ साथ हम अपनी गार्डनिंग तो नहीं बंद कर सकते। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आप कौन कौन से प्लांट्स हैं जिन्हें आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, अब आप नर्सरी तो जा नहीं पा रहे, नए प्लांट्स भी नहीं ला पा रहे हैं, फिर अब क्या करना होगा। अब प्लांट्स को हम कटिंग से तैयार करेंगे। तो जो सबसे पहले प्लांट्स हैं जिनको हमने हम कटिंग से तैयार कर सकते हैं, वो है ये प्रोटोला का। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मॉस रोज भी इसे टेबल रोज भी कहते हैं, इसे प्रोटोला का भी कहते हैं। और फ्रेंड्स, ये बहुत आसानी से कटिंग से तैयार हो जाता है। इसे मैंने अपने पहले वीडियो में दिखाया है, इसके पहले वीडियो में कि किस तरीके से मैंने इसे कटिंग से लगाया था। पर फिर से मैं बताती हूँ कि इसको आप कैसे कटिंग से लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आप ग्रो कर सकते हैं पर्सलेन को भी कटिंग से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं और इतनी स्पीड में ग्रो होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा गर्मी, जब बहुत गर्मी होती है तब भी ये बहुत अच्छे से चलते रहते हैं। जितनी ज़्यादा इनको धूप लगती है, ये प्लांट्स उतने ही ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। इनको कुछ नहीं करना है आपको। देखिए, इतना बड़ा है, आप इसको चाहें तो दो और तीन, जितनी छोटी मर्जी आप कटिंग इसकी लगा दीजिए। ये दोनों प्लांट्स ऐसे हैं कि बहुत छोटी से छोटी कटिंग में भी चल जाते हैं। आप इनको जैसे मर्जी जैसे लगाइए, और इतनी जल्दी इनमें जड़ें निकलती हैं और इतनी अच्छे से ये ग्रो करते हैं। देखिए, अब हम लोग नर्सरी तो जा नहीं पा रहे हैं, तो प्लांटर भी नहीं होंगे हमारे पास। ये देखिए, ये बॉटल को कटिंग करके मैंने ऐसे रख लिया है, इसमें मिट्टी और खाद भर दी है। और ये देखिए, जैसे ये प्रोटोलाका है, इसकी कटिंग को, जैसे इतना बड़ा है, आप कहीं से भी ले लीजिए, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए और नीचे की तीन चार पत्तियाँ आप निकाल दीजिए इस तरीके से। और निकालने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, बहुत छोटा सा है, आप बस इसको ऐसे इसमें लगा दीजिए, ऐसे ऐसे करके आप इसको ऐसे लगा दीजिए। ये देखिए, इस तरीके से आप इसको लगा दीजिए और ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। इसी तरीके से ये देखिए पर्सलिन की मैं इतनी छोटी सी कटिंग लगाऊंगी, इतनी छोटी सी, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी और बहुत जल्दी चल पड़ेगी। आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगाइए, प्लांटर में लगाइए, जैसे मर्जी लगाइए। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको लगा देंगे। हमारी बाकी बची, देखिए आप चाहें तो बड़ी कटिंग को भी लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए, ये पॉट रेडी हो गया है। और ये बहुत जल्दी, मुश्किल से ही 15 से 20 डेज में ये पूरा ये भर देगा, कवर कर देगा। बस इसकी एक ही शर्त है कि आप इसको धूप में रखिए। इसको आप पूरे दिन की धूप में रखेंगे तब भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ये वो हमारा पहला प्लांट जिसे हम ग्रो कर सकते हैं कटिंग से। इसके बाद हम ग्रो कर सकते हैं मनी प्लांट को। ये देखिए, मनी प्लांट को भी हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, आप नोड एरिया से इसको कट कर लीजिए। नोड एरिया मतलब जहाँ से ये लीफ निकलती है, इसके ऊपर का एरिया, यहाँ से आप इसको कट कर लीजिए। उसके बाद आप इसकी पत्तियाँ नीचे है तो निकाल दीजिए। देखिए, इसमें जड़ें निकलते ऊपर भी रहती हैं, तो इसे हम ग्रो नहीं करेंगे मिट्टी में। ये मेरे पास ऑलरेडी है पहले से ही गमले में, तो इसे अब हम लगाएंगे बॉटल में। ये देखिए, इस तरीके की केचप की खाली बॉटल्स आप सबके घर में होंगी, और इस समय तो घर में रह रहे हैं तो बहुत जल्दी खाली हो रही हैं, तो हम इसको इसमें लगाएंगे, मतलब इसको हम ग्रो करेंगे पानी में। ये देखिए, इस तरीके से आप इस तरीके से लगा कर छोड़ दीजिए 15 से 20 डेज में। इसमें इट मीन्स कि 2 वीक में इसमें जड़ें और अच्छे से निकल आएंगी। ये देखिए, आप चाहें तो इस बॉटल को हैंग भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे ऐसे ही टेबल टॉप पे रख सकते हैं। इस तरीके से ही रखा हुआ बहुत सुंदर लगता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्लांट है, वो है ये सिंगोनियम। ये देखिए, सिंगोनियम भी मेरे पास पॉट में है, इसलिए अब मैं इसे ग्रो करूँगी ऐसे ही बॉटल में। ये देखिए, ये बॉटल है, इसमें पानी भर दिया है। आप बस ध्यान रखिए, इसमें टैप वाटर ही यूज़ कीजिए, क्योंकि आप इसमें बॉयल्ड वाटर मत यूज़ कीजिए, ना ही आप अपने फ़िल्टर से निकले हुए पानी यूज़ कीजिए। आप इन्हें टैप वाटर यूज़ कीजिए नॉर्मल टेम्परेचर का,
और इसको भी हम इस तरीके से इसमें लगा देंगे। ये देखिए ये बॉटल में लगा हुआ बहुत सुंदर लगता है। इन दोनों को मैं इसको और मैं मनी प्लांट को लेयर करके हैंग करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि ये कैसा दिखता है। ये देखिए बहुत ब्यूटीफुल लगता है ये सिंगोनियम, पानी में बहुत ईजिली ग्रो होता है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्लांट है वो है ये वॉन्ड्रिंग ज्यू। ये देखिए ये वॉन्ड्रिंग ज्यू, इसे भी हम बहुत जल्दी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। आपने मेरी हैंगिंग प्लांट्स जो होते हैं उस वाले वीडियो में आपको मैंने दिखाया था कि कितना लंबा हो जाता है, ये बहुत अच्छे से हैंग करता है और बहुत जल्दी ग्रो होता है। दिखाती हूँ मैं आपको, मैंने इसे पहले अब कटिंग से ग्रो कर रखा है। ये देखिए इसे 1.5 महीने पहले मैंने लगाया था, बहुत छोटी छोटी सी कटिंग्स लगाई थी मैंने इसकी, और अभी ये ग्रो कर चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ एक कटिंग को निकाल कर। ये देखिए इसमें रूट्स डेवलप होने लगी हैं। ये देखिए और इसकी कटिंग भी, ऊपर से लीव्स भी निकलने लगी हैं। आप इसे बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। बहुत सुंदर लगता है हैंगिंग बास्केट में या पॉट में लगाइए। देखिए मैंने पॉट में लगा रखा है, और इस पॉट को देखिए मैंने ये कंचे लगा रखे हैं यहाँ पर। ये प्लास्टिक का पॉट मुझे एक प्लांट के साथ फ्री मिला था, इट मीन्स कि इसमें प्लांट लगा हुआ था और मैंने इसको इस तरह से लगा दिया है। ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए प्रोटोलाका और पर्सलिन को मैंने, ये देखिए ये मेरी एशियन पेंट की का डब्बा था, खाली था, इसमें पड़ा हुआ था, इसमें मैंने लगाया है। देखिए कितने अच्छे से कितनी जल्दी ग्रो किया है ये। तो आप सब भी ये सारे प्लांट्स को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और अपने घर को सजा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सब लोग नर्सरी जाएं या फिर आपको प्लांट्स की नीड नहीं है, आप जो अपने घर में प्लांट हैं उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस समय जो पॉट में लगा रखे हैं उन्हें आप वाटर बॉटल में लगा सकते हैं, इस तरह से जैसे आपका सॉस वगैरह का बॉटल खाली हो रहा है उसमें आप लगा सकते हैं मनी प्लांट। तो जो आपके पास पॉट में प्लांट हैं और वो वाटर में भी चल सकते हैं तो आप उनको इस तरीके से लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।